हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं माय लाइफस्टाइल प्रीति का चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस हैवी ब्राइडल साड़ी के साथ आप लोगों को फेस्टिव लुक प्लस पार्टी वियर, किसी वेडिंग के लिए भी इस लुक को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीन लुक इस साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल में दिखाई हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप किसी भी पार्टी में या फिर करवा चौथ आ रहा है उसमें इस लुक को ट्राई कर सकते हैं। तीज आ रहा है, हरितालिका तीज जो हमारे यूपी बिहार में होता है, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पीछे से साड़ी जो मतलब हमारी साड़ी है उसे हम पीछे से ड्रेप करना है। तो स्टार्टिंग आप लोगों ने देख ही लिया है, तो जस्ट जैसे हम लहंगा साड़ी सिंपल साड़ी से लहंगा पहनते हैं, इस तरीके से आपको पहनना है। और अगर आप पतले दुबले हो तो कैनकन का यूज करिए, अगर मेरी तरह हो तो कैनकन नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा। कैनकन से थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है, थोड़ा सा लहंगा वाला प्रॉपर लहंगा वाला फैला हुआ सा लुक आ जाता है। बट मुझे लगता है कि प्लस साइज के हिसाब से कैनकन उतना सही नहीं लगेगा। अगर घर का खुद से स्टिच कराया हो कैनकन तो ही ट्राई करो, अदरवाइज रेडीमेड जो है उसमें और भी ज़्यादा फूले फूले से लगोगे आप, तो इसलिए मैं कैनकन नहीं यूज कर रही हूँ। और ये हैवी साड़ी है तो मैं इस तरीके से सारे प्लेट्स को पीछे से स्टार्ट करके लाई हूँ फ्रंट में, और फिर जो साड़ी का हैवी डिजाइन है उसे पीछे कवरअप की हूँ, जिससे एक प्रॉपर लहंगा टाइप का लुक आ जाए। तो इसे आप जन्माष्टमी में भी ट्राई कर सकते हो। तो हालांकि तो जन्माष्टमी आज है ही है, तो जब मैं एडिट कर रही हूँ तो इस वीडियो को मैं कल पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ी मैं बिजी थी, तो इस वजह से। तो बस पीछे से सीधा पल्लू जैसे हम लेते हैं ना प्लेट, वैसे ही लाना है और फिर अपने सारे ब्लाउज में चारों तरफ अच्छी तरीके से टक कर लेना है, पतले पतले प्लेट बना के। बस इसमें पल्लू आपको फ्रंट में छोटा रखना है, जिससे आप ब्लाउज के अंदर इजीली टक कर पाओगे। अगर लॉन्ग पल्लू रखोगे तो फिर टक नहीं हो पाएगा ब्लाउज में, बहुत ज़्यादा ब्लाउज फुला फुला सा दिखेगा। तो बस ये हमारा साड़ी ड्रेप स्टाइल कम्प्लीट हो गया, जो कि एज अ गाउन आप किसी हैवी साड़ी के साथ अगर इस तरीके से वेयर करते हो इस साड़ी को, तो आप किसी पार्टी में भी जा सकते हो। थोड़ा लाइट साड़ी के साथ पहनते हो तो सिंपल किसी फेस्टिव में यूज कर सकते हो। तो बस ये एज अ गाउन ये लुक क्रिएट हो गया, बिल्कुल लग रहा है कि मैंने कोई न्यू मॉडर्न सेलिब्रिटी स्टाइल ड्रेस वेयर किया है, उस तरीके का लुक आ रहा है। और अगर इस तरीके से आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपका स्किन बहुत ज़्यादा विजुअल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्किन शो हो रहा है, तो मुझे भी अनकंफर्टेबल लगता है, तो इस तरीके से तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ हम दुपट्टा लें। तो दुपट्टा भी आप अपने लहंगा मतलब जो आपकी साड़ी है ब्लाउज है ना उससे मैच करता हुआ लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लगेगा और आप कम्फर्टेबल भी फील करोगे। तो इस तरीके से ये फुल लुक आ रहा है। तो ये टमी थोड़ा ज़्यादा शो हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं सेकेंड लुक में कुछ और ट्राई करती हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट लुक, फिर दिखाती हूँ सेकेंड लुक। तो फ्रेंड, सेकेंड लुक में इस तरीके से मैं अपना ब्लू कलर का दुपट्टा ली हूँ, तो इसे एक डिजाइनर सा लुक भी क्रिएट हो गया है और हमारा टमी भी जो है वो हमारे काफ़ी हद तक हमारे हाथों से कवरअप हो गया है। तो सेकेंड लुक देखिए, अगर आपको लगता है कि इस लुक में भी आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो तो थर्ड लुक भी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए पहले मेरा सेकेंड लुक। एंड थर्ड लुक में मैं इस तरीके से नेट के दुपट्टे को, जैसे हम सिंपल अपने कुर्ती के साथ दुपट्टा लेते हैं वैसे ले सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा दुपट्टा से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो एक और ऑप्शन है, आप कोई सा भी ना नेट का जैकेट यूज कीजिए। नेट में
तो आप डिज़ाइनर नेट यूज़ कीजिए, ऊपर से ब्लाउज ऊपर से वेयर कर लीजिए, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा। फ़िलहाल मेरे पास उस टाइप का कोई जैकेट नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। तो उस तरीके से अगर आप पहन सकते हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा। और तो ये हमारा आज का साड़ी ट्रैपिंग स्टाइल था, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरे चैनल से और भी लोग जुड़ पाएँ। और थोड़ा छोटा बहुत जो भी छोटा कुछ चीज़ें मेरे चैनल से अगर उन्हें लर्न करने को मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो ये हमारा फुल एंड फाइनल लुक, देखिए फिर मिलती हूँ। एंड वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।